और अभी जो है अभी हम मैं यहाँ पे जो है गंगा स्नान करने वाली हूँ, सो देखेंगे लाइक कैसा है, बट यस गणपति बप्पा मोरिया और काफ़ी बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा, सो लेकिन करना तो है ही, लाइक कुछ भी हो जाए गंगा स्नान आए हैं तो करके ही रहेंगे। सो हर हर महादेव। गंगा में डूबे नहाए मन रावण, जो लहरों में तूने बहाए, जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए मन रावण, जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे, हर जो पास तेरे वही तेरा, बाकी सब मोह का फेरा। तू क्यों समझ ना पाया, तन मिट्टी है मन माया। अगवा चोला तन पे जो तू ओढ़े, हर चोला तो जाएगा पीछे छोड़े। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए मन रावण, जो लहरों में तूने बहाए। सो अभी जस्ट मैं गंगा स्नान करके आई हूँ। ये पहाड़ों से होता हुआ काफ़ी बर्फ से भी बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था, लेकिन यस इतने दूर आया है तो करना ही है गंगा स्नान। इसलिए मैंने काफ़ी हिम्मत करके बारिश में, ऊपर से बारिश नीचे से ठंडा बर्फ़ का पानी, और मैंने मेरा स्नान कंप्लीट कर लिया है। पाया तन मिट्टी है मन माया। अगवा चोला तन पे जो तू ओढ़े, हर चोला तो जाएगा पीछे छोड़े। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए मन रावण, जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे, हर की तीर्थ में जो है भगवान श्री विराजमान है। हाँ। आप उनसे प्रार्थना करना कि हमारी यात्रा जो उसको बोलते हैं हैप्पी जर्नी। हाँ। ये तो है ही, हमारी यात्रा जो कुशल मंगल हो, उसमें कोई विघ्न बाधा ना आए, इसी यात्रा की जो है कुशलता के लिए आप यहाँ पर गंगा पूजन कर रहे हैं। हाँ। किसी भी चीज़ का क्या होता है, उद्देश्य होना चाहिए। हाँ। बिना उद्देश्य का कोई एफर्ट लगाना बेकार होता है। हाँ। और आप किसी कार्य को कर रहे हो तो आपका लक्ष्य तो संपूर्णतः पूर्ण भी होगा। हाँ। इसलिए जो है धार्मिक कार्यों को करने के लिए हर समय जो है अपने मन को स्वच्छ रखना चाहिए, निर्मल रखना चाहिए, अपने चित्त को निर्मल रखना चाहिए। इसी भाव से आप गंगा पूजन करेंगे कि आपका उद्गम जो है गंगोत्री से तो हुआ है, परंतु हम आपका पूजन यहाँ पे कर रहे हैं। हे गंगा मैया, आप दिशा, आपकी दिशा जो है पहाड़ों को छूती हुई जो है शहरों की ओर आ रही है, परंतु हम आपके दर्शनार्थ जो है आपके धाम को आ रहे हैं, इसलिए जो है चार धामों को आ रहे हैं। आप हमारी इस यात्रा को कुशल मंगल करें। हरि ही ओम, मा ओम स्वस्ति नो सर्वा सुचिन ेण सदा जान गंगा विसर्गे।
खरीद के उसमें प्रार्थना करना, हमारे अंदर जितने भी रोग विकार हैं ठीक है ना, उसको बहाने का मतलब क्या है पता आपको? लोग वैसे ही बहा देते हैं उसे, ऐसे ही टेम्परेरी लिया और खुशी के मारे बहा दिया। उसमें यह है कि हमारे अंदर जितने भी अवगुण हैं वो सब दूर हो जाएं, इस दीपक में जितने भी फूल की तरह जो भी हैं ये अवगुणों के दूर हो जाएं हमारे, इसलिए बहाया जाता है उसको। और हमारा चित्त जो है, हमारा चित्त जो है शुद्ध निर्मल हो जाए, इसलिए गंगा माई से प्रार्थना किया जाता है ऐसे उसमें ठीक है ना। हम काम क्रोध लोभ मोह क्लेश घृणा ये सब हमारे अंदर से दूर हो जाएँ, हम सात्विक बन जाएँ, हमारा चित्त शुद्ध हो जाए, इसलिए जो है उसको बहाया जाता है अपने अवगुणों को दूर करने के लिए गंगा जी में बहाया। गंगा सबको सबके पाप को धोने वाली है ठीक है ना। हरि ओम महादीर्घा स्तोख देखने का जिसने नाम हम माँ अथोत्तम तो अभी जो है मैं दीप पूजा कर रही हूँ, गंगा पूजा। सो ब्राह्मण जी से मैंने पूरी पूजा करवा ली है। सो हमारी चारधाम यात्रा सफल रहे, सुखरूप रहे, कुछ विघ्न ना आए उसमें, इसलिए ये पूजा कर रही हूँ मैं। उदय श्री महा